हेलो गाइस, हाजिर एक और नई कमाल की वीडियो के साथ। यानी कि इस गेम प्ले में हम आ चुके हैं पोचंग की, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भसड़ होने वाली है ना, गुत्थम गुत्ती, धपा धप, धै शॉट, धै लाते, धै घूसे बजने वाले ना इस गेम प्ले के अंदर। भाई तुम्हें दिखे कितना मज़ा आएगा जितना मज़ा मुझे आया। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पोचंग की। सामने भाई बहुत सारी स्क्वाड्स आई हैं, अगल बगल में डुओ आ चुके हैं, डुओ वर्सेस सोलो वर्सेस डुओ खेल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी एक बंदा निहत्ता बेचारा भाग गया है, गन से जैसे इसको कैसे मारते हैं। जय श्री राम भाई, एक को तो निपटा दिया, और एक सात वाला जो इसका है भाई, उसको वो देखना मेरे साथ कैसा स्कैम करेगा। अब कैसा स्कैम करेगा वो तो आपको देखने में पता चलेगा। तुम्हारे भाई की मतलब बुलेट्स उसको लगी नहीं, और बाकी भाई मेरी जो गन थी वो रिलोड में आ चुकी थी। और अभी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं खेल रहा हूँ आईपैड पर, अब नहीं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ सिर्फ आईफोन 11 मैक्स पे। आज ही गाइस, पहले मैं खेलता था आईपैड पर, जिसकी वजह से यार मेरे को अभी दिक्कत आ रही है ज़ायरो खेलने में, तो कुछ टाइम लगेगा पर धीरे धीरे तुम्हारा भाई सीख जाएगा। अब भाई इसको मारने के बाद बगल में पीछे दो बंदे हैं जो कि कैम कर रहे हैं और रैंक पुश कर रहे हैं, जिन्हें मारने में भाई इतना मजा आएगा ना भाई। एक साथ वाला उसका जो साथ वाला टीममेट है वो देखना क्या बोलेगा। भाई इन दोनों को भी हमने इजिली मार दिया, लेकिन साथ वाला बंदा बोल रहा था कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जब स्टार्टिंग में उसने बोला कोई नीचे आ नीचे आ, पर उसका साथ वाला जो बंदा था ऊपर ही था। फिलहाल अभी जो ये पोचंगी का चर्च है ना, यहाँ पे कम से कम मेरे ऊपर 10 से 12 बंदे हमला करने वाले हैं, 10 से 12 बंदे गाइस। यकीन नहीं होता ना भाई, इस वीडियो को देखो तभी आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक साथ बंदे आते रहेंगे भाई, मुझ पे हमला करते रहेंगे, और मैं कैसे किस सिचुएशन से उनसे बचूंगा। सामने एक बंदा है जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा था अभी, बोट जिसको हमने बोट को हमने मार दिया, पर अभी यहां पे से जो बंदा जा रहा है इसको मारने के लिए भाई देखो, मैंने कोई भी स्कोप नहीं खोला, सीधे क्रॉसर उसके हेड पे डाला जो कि डायरेक्टली मर गया। अब इसके साथ वाला जो टीममेट है भाई, वो लुक्का छुपी खेलने में लगा हुआ मेरे साथ, तो इनकी जो लुक्का छुपी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है भाई। यहां पे देखो कितना मजा आएगा। अगर यहां पे मैं पीक नहीं हुआ होता ना, तो भाई मेरे को आसानी से मारता, थोड़ा सा बचा था। अगर उसका हेड दे दिया, अगर मैंने उसको हेड नहीं दिया होता ना, तो काम बेकार हो गया था। तभी भाई इसको मार मुरने के बाद सामने एक गाड़ी आती है, पर वो रुकती नहीं है, वो चली जाती है। पर अभी इतना ही नहीं, पोचंकी चर्च हाउस पे जो बैंड बाजा बजने वाला ना भाई, बराती आएंगे जो मुझे लेने आएंगे ना बराती भाई, उनसे देखो मैं कैसे निपटूंगा। और अभी वो बंदा स्नाइपर चला रहा है, उसकी स्नाइपर से देखना मैं कैसे बचता हूँ। तो यहाँ पे गाइस ये देखो, ये बंदा था बोट था मुझे नहीं पता, पर ये इसको मारने के चक्कर में मैं मर जाता। वो देखो मतलब भाई, अगर उसका एक शॉट कहीं मेरे हेड पे होता है ना भाई, मैं तो हो गया था भाई, राम नाम सत्य। तो सोचो कि उसका कितना अच्छा स्नाइपर, वो कितनी अच्छी स्नाइपिंग कर रहा है कि फट से उसने उसको फिनिश कर दिया। तो भाई अब तुम्हारा भाई कम नहीं है किसी से, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई, इतनी देर से ये मारे जा रहा है बंदों को ऊपर से, शॉट पे शॉट स्नाइपिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा भाई इनकी स्नाइपिंग की जो आग है वो मिटा दी जाए, और इनको क्या हम मार पाएंगे। आपका कमेंट गलत था, मैंने नहीं मारा उसको, किसी और ने मारा, और इस बेचारे को इतना गंदा मारा कि मैंने भी मारा, उसने भी मारा, दोनों ने इसको लेफ्ट और साइड से, दोनों लेफ्ट एंड साइड से भरा, यानी इधर से मैंने मारा, उधर से मैंने मारा, उधर से उसने मारा।
अब यहाँ पे मैंने नेट डाला जो कि मेरा नेट मिस जाता पूरी तरीके से। अब भाई इसको मारने के लिए देखो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वो पूरे चर्च पे घूम रहा है। यहाँ पे देखो शायद वो 1 HP बचा हुआ क्योंकि मैंने उसको हेड दिया था जैसा कि तुमने देखा। अब एक और नेट जो कि अभी खाली जाने वाला है पर ऑफकोर्स उसे थोड़ा सा डैमेज जाएगा जरूर। अब तुम बताओ कि वो कहाँ पे छुप के बैठा होगा। मुझे मालूम है लॉन्डो तुमने पूरा सही अंदाजा दिया है कि वो इस चर्च के ऊपर साइड में टिप्स एंड ट्रिक्स अपना के बैठा हुआ है। जो टिप्स एंड ट्रिक्स उसे आती है भाई हमें भी तो आती है ना, हम भी जा सकते हैं वहां पे। अब देखो कैसे मजे से मारूंगा इसको, मैं थोड़ा सा इसको ट्रॉल करने वाला हूं यहाँ पे। भाई पूरा लौंडा पौआ ले रहा था गुलाब का। अब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना किस किस की सिटी में दबंग गुलाब का पौआ बिकता है। अब यहाँ पे भाई इसका टीममेट इसको बचाने के लिए आता है जिसको मैं बहुत इज्जत से मारूंगा। कैसे मारूंगा, बिल्कुल ऋतिक रोशन बन जाऊंगा यानी क्रिस बन जाऊंगा। जय बजरंग बली। गाइस इसका भी हो चुका है राम नाम सत्य। और अभी इतना ही नहीं, इनको निपटाने के बाद जैसा मैंने तुम्हें बताया था ना यहां पे आने वाले हैं रिश्तेदार। यकीन नहीं होता ना, ये देखो भाई एक रिश्तेदार निपट चुका है। पर इतना ही नहीं भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ अब स्टार्टिंग हुई है, अभी तो बंदे आना बाकी हैं। हमेशा की तरह मेरी फेवरेट वाली ड्रेस वाला बोर्ड जो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर दूंगा कभी इन फ्यूचर में, मुझे रोड पे मिलती मिली, मॉल में बिकती मिली, जरूर खरीदूंगा। भाई इसको मारने के बाद मैंने सोचा चलो अब यहां से शायद मार चुके हैं, लेकिन सामने से एक और बग्गी आ जाती है। क्या मैं ये फाइट जीत पाऊंगा? अगर अभी देख रहे हो तो पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। भाई लौंडे पूरा कैम करने है, फुल मूड में रैंक पुश करने के, पर तुम्हारा भाई इन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला। देखो नेट पे नेट डालने मेरे ऊपर मेरी क्रेडिट बनाना चाहते हैं, वो दो है, मैं अकेला हूं, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लॉन्डो की फुर्ती देख के ना भाई एक लाइक तो बनता है इसके लिए, सही में एक लाइक बनता है। अब मुझे नहीं पता भाई ये बोट था बंदा था, पर जो भी था भाई अपनी केडी और अपना रैंक पुश कराने ये आ चुका है। अब मैंने डिसाइड करा चलो भाई अब चलते हैं यहां से, अब तो हो चुका है, लेकिन नहीं मेरे को पीछे साउंड आता कि भाई एक और हमारे रिश्तेदार आ चुके हैं अपनी बुलेरो लेके, जिनको अभी हम कैसे मारेंगे वो देखो। भाई ये किसी शॉट से ही लगा, मतलब थोड़ा सा उसने बस थोड़ा सा डैमेज दे पाया, जिस तरीके से मैंने मूवमेंट करे वो लाजवाब थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। भाई लौंडे ना रिश्तेदारी पूरी निभाते हैं और कहीं पे भी नागिन बनने को तैयार हो जाते हैं। अब भाई मैं आ चुका हूँ ब्रिज के ऊपर, अब ब्रिज के ऊपर तो मैं आ चुका हूँ और मुझे डर है इस सामने कैंप हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कार खड़ी हुई है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। अब मुझे इस बात का डर है कि भाई सामने बंदे हैं जो कि दोनों ट्रक के अंदर छुपे हुए हैं ऐसा मुझे लग रहा है, पर मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि भाई तुम्हें किल्स के साथ चिकन डिनर भी निकाल के दूं और पूरा मजा आए। तो मैंने एक रणनीति अपनाई जैसा कि हर एक अच्छा प्लेयर अपनाता है, मैंने यहां पे स्मोक करे और जब मैं रैंक पुश करता हूं मैं हमेशा कभी भी ऐसा अंधा पुश नहीं करता या अंधा ब्रिज को क्रॉस नहीं करता हूं, या तो मैं बोट से जाता हूं या तो मैं इस तरीके की रणनीति अपनाता हूं जो कि मैंने यहां पे अपनाई है। तो फाइनली मैं यहां से निकल चुका हूं और कोई भी बंदा नहीं था।
तो भाई बंदा नहीं था, इसका मतलब कोई भी नहीं था। अब सामने है भाई फ्लेयर गन, जिससे हम हेलमेट बेस लूटेंगे इनको मार के। पर अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो बंदा हार्डली कैंपर है, मतलब बहुत बड़ा कैंपर, वो बहुत इतना टीपीपी लेगा, इतना कैम्प करेगा कि मेरे पर रश करने के सोचेगा भी नहीं। और जिसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पर फाइट चलती रहती है, वो उधर से मैं नेट डालता हूँ, कभी मैं नेट डालता हूँ, कभी वो नेट डालता है, ऐसे करके ये चलता रहता है सिलसिला। भाई मैंने सोचा था कि वो जो नेट है ना उसके ऊपर जाएगा और उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, पर मैं यहाँ पे गलत था। अब देखो मैंने नेट डाला है तो सामने वाली की कार्रवाई तो पूरी होती है, जैसे जब पाकिस्तान और इंडिया का यू मतलब वो होता है ना बॉर्डर के ऊपर फायर टू फायर, तो इधर से भाई गोलियाँ जाती तो उधर से भी गोलियाँ आती, उधर से गोलियाँ आती उधर से भी आती है, तो सेम यहीं पर होने वाला है। अब उस नोबड़े ने मौली डाली, सोचे कि मैं उस दरवाजे के पीछे हूँ, पर मैं उसे कन्फ्यूज कर रहा था। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि अपनी लोकेशंस बदलते रहो, नहीं तो अगर लोकेशन नहीं बदलोगे तो एक सेम नेड आएगा उड़ता हुआ परिंदा जो तुम्हारे ऊपर गिरेगा और तुम्हारी पेटी बन जानी है। तो फिलहाल के लिए ये अपनी लोकेशन चेंज करो। और मैं यहाँ पे उसको देख रहा था कि भाई कहाँ पे है, और मैंने एक स्मोक डाला था जो कि है ड्रॉप के ऊपर, फ्लेयर ड्रॉप के ऊपर। मैंने सोचा शायद मैं स्मोक डालूंगा तो लालच में वो शायद मेरे को या मारेगा या खुद वो ड्रॉप लूटने आएगा, पर वो ऐसा नहीं करता है। पर यहाँ पे जो नेड आया था ना, अगर ये नेड अंदर आ जाता ना तो भाई मेरी क्रेट बननी तय थी। अब मैं पीछे की तरफ आ चुका हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर वो दो चार नेड और डाल देता बिना कुक के तो मैं भागूंगा तो फटूंगा। अब भाई उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे चले गया हूँ कुछ ऐसा, और उस दिल्ली उसको मार के हेलमेट मैच लूट लिए और सामने पहाड़ी पर चल ली जद्दोजहद। आपस में दो टीमें भिड़ रही हैं यहाँ पे और मैं अकेला, तुम्हारा भाई डीमैक्स आ चुका है, इनका हौसला यानी इनको टीम इनको इनके साथ थोड़ा क्या बोलते हैं यार वो बोल रहा हूँ मैं कुछ हाँ इनके साथ गेम खेलने के लिए। और अब भाई इनके साथ जो गेम खेलूँगा ना मैं वो देखो। अब भाई नागिन बनना ज़रूरी था यहाँ पे मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बंदे हैं कहाँ पे, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा था कि तीन बंदे एग्जैक्ट बचे हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे ओम लूटी थी जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने सोचा था कि भाई इस ओम से मारूंगा, लेकिन ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं बना या कुछ ऐसा लोकेशन नहीं मिल पाई कि मैं उसको शॉट दूं। अब मुझे पता चल गया था कि भाई सामने वाले के पास ओम है तो पीक करना। लिटरली 1 HP बचा होगा भाई, और जय श्री राम, हो गया चिकन डिनर। आई होप कि आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा, अगर गेम प्ले अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए होना मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही गेम प्ले वीडियोस आते रहेंगे, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा।